अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, ये हमारी माशाल्लाह से बारात की ब्राइड है और यहाँ पे जी बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी अरेंजमेंट्स हुई हुई हैं। और ये बारात का व्लॉग जो है मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ ड्यू टू सम रीजंस। मैं काफ़ी बिजी थी। आप यहाँ पे बच्चों का हजूम देख सकते हैं। बच्चों ने तो सही क्राउडी ये एरिया बना दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, लाइक ये फाउंटेन, ये फ्रूट्स, चालीस और मार्शमेलोज। बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक उन्होंने स्टॉल अरेंज किया था, मैं आपको प्रॉपरली दिखाती हूँ भी। और यहाँ पे जी मतलब काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था और मतलब कि काफ़ी बारात का मेन्यू भी बहुत अच्छा था। ये मैं हूँ, मैं ज़रा रेडी वेडी होकर मैं सोचा क्यों ना कि आप लोगों को एक शॉट दे दूँ। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मेरी माशाल्लाह से प्यारी सी मदर बैठी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गेस्ट हैं। अभी बारात नहीं आई थी, जब बारात आएगी मैं आप लोगों को वो भी शेयर करूँगी। और मेरी जो फ्रेंड है, ये देखें, फ्रेंड के बारे में तो खैर बाद में बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर वो प्रॉपरली अभी अरेंज कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये प्रॉपरली एक दफ़ा इनका अरेंजमेंट हो जाए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को फाइनल दिखाऊँगी। ये बहुत ही मुझे इनका जो है वो स्टॉल अच्छा लगा था। और खैर ये सारी अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छी थी। यू कैन सी यहाँ पे जी कैमरा शैमरा और लाइट्स वगैरह सेट होनी है, तो बस वो लगे हुए थे। और ये स्टेज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब कि बहुत सिंपल और एलिगेंट सी डेकोरेशन की हुई थी। और इस तरह से जो है वो सारी अरेंजमेंट्स मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोग भी चाहें तो इस तरह के अरेंजमेंट्स करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये बाहर वाला एरिया था, तो मैं बाहर निकल के आ गई, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि वॉइस ओवर जो है वो मैं करती हूँ साथ साथ और आप लोगों को बताती हूँ। ये मतलब कि दूसरी साइड है, वो पहले वाली साइड थी। और बस उसके बाद जी माशाल्लाह से खाना बहुत ही कमाल का था, बहुत ही अच्छा मेन्यू था और हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और बाकी इंशाल्लाह अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो मज़ीद पूरा शेयर करती हूँ कि कैसे बारात आई और क्या क्या हुआ। असल में जो है ना, वलीमा मैंने अटेंड किया नहीं था, बारात पर भी मैं बहुत जल्दी वापस चली गई थी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। और काफ़ी दिनों से ये ब्लॉग अपलोड इसलिए नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती थी। और आप लोगों की एक और बात शेयर करूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना आप लोगों ने मेरे व्लॉग को जो है वो देखा है, मतलब कि शॉर्ट्स जो मैंने अपलोड किए हैं शादी से रिलेटेड, माशाल्लाह उनके बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। तो उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है वो मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे जी बारात आ चुकी थी और बरातियों में जो है वो लेडीज़ का वेलकम यहाँ पे हो रहा था, जेंट्स का बाहर भंगड़ा शंगड़ा चल रहा था, वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी जो है वो जाके शेयर करूँगी। फुल मतलब कि धूम धड़ाके वाला सिस्टम था माशाल्लाह से जी। ये बरातियाँ जो भी होता है वो आगे हैं। और यहाँ पर जी आप देखें, उनका इतना मतलब वार्म वेलकम किया इन लोगों ने और इस तरह से। और फिर बाहर जो है वो माशाल्लाह से आप लोग अभी देखिएगा कि कितने भंगड़े शंगड़े जो हैं वो उन्होंने डाले हैं, ठीक है। और बस इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। बारात का वेलकम तो हो गया था, उसके बाद जो है जी माशाल्लाह आपको मैं वो दिखाती हूँ कि पूरा जो स्टॉल है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी डेकोरेशन की है इन लोगों ने, किस तरह से फ्रूट्स को ऑर्गेनाइज करके रखा है, और जेलीज और मार्शमेलोज, चॉकलेट फाउंटेन, हर चीज़ बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी अरेंज की है इन लोगों ने। और ये जो सारी अरेंजमेंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए हैं, ताकि बच्चे इसको देखकर अट्रैक्ट हो रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉय किया उन्होंने इस चीज़ को। और मुझे ये सब अरेंजमेंट्स इनकी बहुत ही पसंद आई। आई होप आप सब लोगों को भी ये बहुत अच्छी लगी होगी, ये एक डिफरेंट हट के चीज़ है और आप लोगों के लिए जो है वो एक अच्छा मतलब है कि आप लोग भी इस तरह से अरेंज करवा सकते हैं। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ प्रॉपरली शेयर करूँ वन बाई वन। खैर उसके बाद फिर बारात का बाहर
यहाँ पे जी दूसरा स्टॉल आ गया था फ्रूट सैलड्स का, तमाम सैलड्स का, रशियन सैलड, फ्रूट सैलड, चना सैलड और बहुत सारे सैलड्स थे। आप इनकी जो है माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत डेकोरेशन देख सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ ये हर चीज़ शेयर की है। यहाँ पे जी ये माशाल्लाह से वो बिद वाले जो बॉक्स होते हैं वो आ गए हैं, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी, मतलब मज़े की चीज़ें थी, ये सारी डेकोरेशंस थी। और हमारी ब्राइड जो है वो भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। और व्लॉग लेट जो है वो अपलोड करने के लिए माजरत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।